एफएनबी न्यूज़ के व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज मौजूद हूँ मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ जिन्होंने इंडो पाक तकसीम के दौरान जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें उन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। नूर मोहम्मद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी तुम मैं यह दसो पंजाबी गलबात करा जी, पंजाबी साड़ी माँ बोली है चूंकि तो वैसे भी बाबा जी जो पंजाबी ज़्यादा बेहतर तरीके समझ सकते हैं, पंजाबी ज़्यादा अच्छे तरीके गलबात करेंगे उन्होंने अस गल करते। बाबा नूर मोहम्मद दसो तुम किस तरह दश्किल सामना करना पड़ा पाया, तो किस तरह तुम जनिया कुर्बानियों तो बाद अज जी जगह तो मौजूद जो इतने पहुंचे की कहोगे? असं जी बड़ा मुश्किल सर, रात सू बड़े काली बड़े हिंदू बड़े साढ़े से हमले करते स बड़े भी अपना साढ़े एक एक घंटे से अद्धे अद्धे घंटे साढ़े राज हमले कर दिया। बाकी असी बच्चे जड़े बुढ़िया के बड़से मार देते डिड बाट देने तो बच्चे जड़े ने उन्होंने उतना उन्हें बड़शा ना टंग लेना ते बड़िया साड़ी ना मुश्किल तो बड़े औखे वक्त। अच्छा तुम बाबा जी पिछले भारत के पिंड चलाते थे? असी जी लाल खान डह का पिंड से लालदवाला ना सी बहका सरल बोलते दिया तो पर पिंड फरमाना सी नंबर 12 खान चाहता तो कोल कोल पिंड साढ़े जिस सही कोई अजा वाकया तुम्हें याद हो जिन्हों तुम अज भी याद करके दो वाकयात है जो दसो जिन्होंने तुम अज भी याद करके खुश भी होंगे जे तो रोंद भी जे जी खुश तो असं होंने पिछले सी कदम हिंदुस्तान इस बड़ा अमन हुंदा सी बड़ा भी अपना दुनिया रहिंदी सी तो कोई अजा किसी किस्म का दुख सन नहीं है बार विच असी बार पशु बन्ने आते तो गरी आ जाते तो वो बार सन डर नहीं हों रात गरी पै रहना होर बाकी सानू कोई किसी तरह तंगी नहीं सी कोई तकलीफ नहीं सी। लेकिन फिर भी आधा मुल्क तो आधा ही है ना जी, मुल्क तो इतने ही है आपा नु आके इतने चंगा लग रहा। बिल्कुल जी ये तो फिर आधी साड़ी माँ माँ है साड़ी धरती माँ है सब बिल्कुल तो इतने ही है। अच्छा तुम हूँ जरा नौजवान जड़े हैं जिन्होंने तुम कह लो पंजाबी शोर शक्कर कहा जाता है उन्होंने कोई पैगाम देना चाहोगे की कहते जे तुम तो बड़िया कुर्बानियां दे के इतने पहुंचे जे तो हूँ तो सूरत हाल जी पुठी हुई पी है जी। अल देखो ना देखा इतिहास पाकिस्तान ना कोई बुढ़िया गैरत ना कोई बंद ना कोई बच्चों सही बात बेगैरत ने वो तो साढ़े पिछले हिंदुस्तान से इन्नी कु इज्जत है जी कोई अख भरत नहीं देता सी किसी जवान लड़की ने रात जवाना सी लड़के तो लड़किया खेलना सही तो कोई सानू जहा नहीं हों तो गरीब जो लड़की साड़ी किसी घर पै रही तो वो बल्ले जाना तो कोई महसूस ही नहीं सी तो हूँ वक्त कड़ा देखा है हूँ छोटे छोटे बच्चे कड़े ने वो भी ऐसी गाल कर सन या माहौल जब बड़े बुजुर्ग न क्डन गए सही बात है तो या मार सन बट्टा तो भज जा सन सही बात है हूँ ये जहाँ माहौल देते पे बड़ा बुढ़ी हो बे या बंदा वे उन्हें तो माहौल तो जो बगैर उन बोलते नहीं सही बात है पिछू मट्टे मारने माहौल करना हुज्जत करनी अगर गंदी गल है बुरी गल है तो साढ़े पिछा बड़ी इज्जत होती थी बड़े बंदे भी या औरत भी बड़ी दूजा खिदमत करते सही बात तो इतने खाता जी ले जाए ले जी। नूर मोहम्मद की आपने बातचीत सुनी, नूर मोहम्मद बुज़ुर्ग जो है इन्होंने ज़िंदगी की 100 बहारें जो है वो देख ली हैं तो इनका अवामुन नास के लिए खसूसन जो नौजवान हैं उनके लिए ये पैगाम है कि खुदा के लिए अपने मामलात को अपने चाल चलन को दुरुस्त करते हुए इन बुज़ुर्गों के जो तौर तरीके हैं इनको अपनाते हुए वतन अजीज़ की तमीर और तरक्की और इसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा करें और इससे कबल के खुदा ना खास्ता किसी बड़े जो है वो हमें अलमिया का सामना करना पड़े अवामुन नास को खुसूसन जो नौजवान हैं उनको चाहिए कि वो इन्हीं बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए मज़ीद जो है वो आगे बढ़ें और वतन अजीज़ की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दें इजाज़त, जाते जाते आप अहबाब को यही कहूँगा अगर मुमकिन और मुनासिब समझें तो अपने इस YouTube चैनल FNB जिसका नाम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह नेगेबान।